पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज। एक कलयुगी ससुर द्वारा बहू के साथ मुंह काला करने के प्रयास का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इतना ही नहीं, गलत मंसूबा पूरा नहीं होने पर ससुर ने बहू का सर फोड़ डाला। मामला ओबरा थाना क्षेत्र का है। पीड़िता का औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। पीड़िता ने बताया कि उसके पति छत्तीसगढ़ में प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। काम करने के दौरान ही एक मामले में केस होने पे वो पिछले एक साल से जेल में है। पीड़िता का आरोप है कि पति के जेल जाने के बाद से ससुर की उस पर हमेशा से बुरी निगाह लगी रहती है। शुक्रवार की रात भूलवश अपने कमरे को अंदर से बंद किए बिना अपने दो बच्चों के साथ सो गई। आधी रात को मेरे कमरे को खुला और मुझे नींद में देखकर ससुर मेरे कमरे में आ घुस आए और मुंह काला करने का प्रयास किया। पूरा जोर विरोध करने से वह अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सके और पास ही पड़े डंडे से उन्होंने मेरे सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे मेरा सिर फूट गया। इस घटना के बाद वह शिकायत करने ओबरा थाना गई, लेकिन वहां उसकी एक नहीं सुनी गई और उसे डांट कर भगा दिया गया। उसके बाद वह मामले की शिकायत करने SP कार्यालय गई, लेकिन वहां उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद पीड़िता DM सौरभ जोरवाल से मिली और न्याय की गुहार लगाई। DM ने संज्ञान लेते हुए ICDS के DPO अनीसा भारती को पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पहल करने का निर्देश दिया। DM के निर्देश के बाद DPO ने अपने कार्यालय के डिप्टी कोऑर्डिनेटर जय प्रकाश को पीड़िता का इलाज कराने और प्राथमिकी कराने का निर्देश दिया। निर्देश के बाद जय प्रकाश ने पीड़िता को सदर अस्पताल लाकर इलाज के लिए भर्ती कराया और मामले की जानकारी महिला थानों को दी। जानकारी के बाद महिला थाना अध्यक्ष ने पहल कर प्राथमिकी दर्ज की है। महिला थाना की ASI प्रगति कुमारी ने बताया कि पीड़िता के बयान पर मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पीड़िता औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज करा रही है। रूम में आकर के मेरे साथ जबरदस्ती करने का कोशिश की है और वो चीज़ में मना की है, जिसके चलते वो मारपीट करने लगे। क्या जबरदस्ती कर रहे थे? मेरे साथ गंदा काम करने का कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, हम नहीं उनको करने दी, जिसके चलते वो मारपीट करने लगे हमारे साथ। क्या नाम है ससुर को? जवाहर प्रसाद। क्या चीज़ से मारे हैं? वो मेरे कपड़े ऐसे खींच लिए और मुट्ठी बांध करके और मेरे नाक पर ऐसे करके मार दिया। तब शोर मचाए? हाँ, शोर मचाए। हम बाहर गली में निकल गए। आसपास के लोग पहुँचे? हाँ, आसपास के लोग देखे होंगे, लेकिन डर के मारे आसपास के लोग नहीं बोलते हैं। उन लोग के डर के चलते सब कोई अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। मेरे 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 फेवर में कोई बोलते ही नहीं है। थाना पर गए? थाना पर गए तो कोई सुनवाई नहीं करते हैं वो लोग। क्या बोले थाना प्रभारी? वहीं ओबरा थाना अध्यक्ष पंकज सैनी ने कहा कि इस तरह की कोई भी शिकायत करने कोई महिला मेरे पास नहीं आई थी। हुआ कि जो पुलिस को छोड़कर DM को कदम उठाना पड़ रहा है। कहने के अनुसार पहले भी मतलब इनके साथ मारपीट हुआ है और ये मतलब बहुत बार मतलब ओबरा थाना में गई हुई, लेकिन वहाँ पे मतलब इनके साथ मतलब जो होता है इनको मतलब संतुष्टि नहीं दिया गया, वहाँ से कोई मतलब निराकरण नहीं हो पाया। इस कारण जो है इस बार जो है सोचिए मैं डायरेक्ट DM साहब से मिलूंगी और यहाँ से मतलब बहुत तक मतलब कुछ उचित कार्रवाई हो सकती है। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम जय प्रकाश हुआ, मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। ये हेमा गुप्ता ओबरा से आई हुई है इलाज करवाने के लिए। इनके ससुर के द्वारा इन पर हमला किया गया है, मारपीट का मामला है। तो विशेष है यही कि कोई इनके घर में है नहीं, अकेली महिला है, जिस वजह से वो अकेला पाता है उनके साथ थोड़ा बहुत। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।